जुलाई 2019 में हुंडई ने अपनी कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर लॉन्च करी थी और अब जाके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ने नहीं किया है जो कि इसने किया है। ये तिब्बत के सबुला पास पे गई जो कि ऊंचाई है 5731 मीटर की और यहाँ तक अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं पहुंच पाया। अब आप सोचोगे कि ये चार्ज कैसे हो रही थी। दरअसल ये एक कन्वीनियंट पोर्टेबल चार्जर के साथ में गई थी ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी तरीके की और अपडेट के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो, आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है इंडिया के अंदर जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 60% जो जाने जाती हैं वो सिर्फ पेडेस्ट्रियंस की ही जाती है। मतलब जो रोड पे पैदल चल रहे होते हैं उनसे गाड़ी हिट कर जाती है, जिसके बाद में या तो उनकी लात टूट जाती है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है या फिर उनकी जान ही चली जाती है। जहाँ पर 60% जो भी रोड एक्सीडेंट में जाने जाती है वो पेडेस्ट्रियंस की ही होती हैं, जिसको लेकर अब 2020 अक्टूबर महीने से जो भी नई कार बन के आएगी उसमें पेडेस्ट्रियन सेफ्टी सॉफ्टवेयर फीचर कॉमन होगा, कंपलसरी होगा, ये आएगा ही आएगा। यूएस और यूके के अंदर तो ये एक स्टैंडर्ड फीचर है सभी कारों के अंदर, जो कि अक्टूबर 2020 से इंडिया के अंदर भी हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि गाड़ी के फ्रंट में कुछ ऐसे सेंसर मौजूद होंगे जो कि सडन इम्पैक्ट को सेंस कर लेंगे, जिसके बाद में उन्हें पता लग जाएगा कि कोई इससे टकरा गया, जिसके बाद में आपकी गाड़ी का बोनट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जिस पर जब कोई बंदे जिसको आपने हिट कर दिया है वो टकराएगा तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा और इसी के साथ साथ एक एयर बैग भी उसी जगह पर खुलेगा ताकि पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी ज्यादा से ज्यादा हो और जानो माल का नुकसान सबसे कम हो। यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था लीवर फॉर लाइफ। दरअसल ये लीवर के लिए ही प्रोजेक्ट था कि होता क्या है कि जब लीवर ट्रांसप्लांट किया जाना होता है तो सिर्फ एक दिन का ही समय होता है उस लीवर को ट्रांसप्लांट करने का, उसके बाद में वो डैमेज होना शुरू हो जाता है बल्कि डेड भी हो जाता है जिसको ट्रांसप्लांट किया ही नहीं जा सकता। तो इन्होंने एक लीवर परफ्यूजन मशीन बनाई है जो कि एक हफ्ते तक लीवर को जिंदा रख सकती है। दरअसल ये मशीन करती क्या है कि लीवर के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करती है और इसी के साथ साथ ग्लूकागॉन इंजेक्ट करती है ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रह सके। और इसी के साथ साथ इस मशीन में है एक ऑक्सीजनरेटर जो कि लंग्स का काम करते हैं और इसी के साथ साथ एक डायलिसिस मेम्ब्रेन जो कि किडनी का काम करती है और ब्लड पंप जो कि हार्ट का काम करता है और इसी तरीके के कई चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि बिल्कुल ऐसा काम करेंगी जैसे इंसान की बॉडी कर रही होती है, जिससे कि लीवर जिंदा रह सकता है एक हफ्ते तक। अगर आप टेलीग्राम को यूज़ करते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे एनिमेटेड स्टिकर्स मिलते हैं और कई तरीके के सोशल मीडिया ऐप्स में मिलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर भी आपको बहुत ही जल्द एनिमेटेड स्टिकर्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ मार्वल फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि मार्वल्स एवेंजर अड्डे जो कि ट्रेलर 2019 में लॉन्च कर दिया गया था गेम का, जो कि प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1, विंडोज पीसी और इसी के साथ साथ गूगल स्टेडिया के लिए आएगी सितंबर 2020 को, जिसका डेमो आप खेल पाओगे मई 2020 में, जो कि छोटा सा ही डेमो होगा लेकिन आपको पता लग जाएगा कि गेम किस तरीके की होगी। हालांकि ट्रेलर से ग्राफिक्स तो बहुत ही कमाल के देखने को मिल रहे हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ हम में से बहुत से लोग यूज करते हैं जो कि एक बार यूज करने के बाद में उसे फेंक देते हैं और अगली बार जब कोई चीज ड्रिंक करनी होती है तब फिर से नया खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 8.3 बिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ हमारे ओशियन को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं समुद्र में। और इसी के साथ साथ यूएस के ही अंदर मिलियंस ऑफ स्ट्रॉ सिर्फ एक दिन में ही यूज कर लिए जाते हैं। लेकिन इसका सलूशन है कुछ है, या तो हम इसको यूज करना छोड़ दें या फिर अगर हमें स्ट्रॉ की आदत लग ही चुकी है तो क्यों ना वियतनाम के एक बंदे जिसका नाम त्रैन मिना है, उन्होंने जो स्ट्रॉ बनाया उसको यूज करना शुरू कर दे, जिसको कोबैंग भी बोला जाता है, जो कि बैम्बू से बनाया गया है। मतलब जब बैम्बू छोटे होते हैं घास के साइज के होते हैं तब इनको काट लिया जाता है, जिसके बाद में इनको स्ट्रॉ की तरह यूज किया जा सकता है और इसी के साथ साथ इनको चबाया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है, इससे दांत भी साफ किए जा सकते हैं। और अगर आप यूज नहीं करो इसका तो इसको पांडा तो यूज कर ही लेगा क्योंकि पांडा को पसंद है बैम्बू। हम में से ज्यादातर लोग सारी जिंदगी सिर्फ एक ही कैरियर पे टिके रहते हैं कि इसी में हम एक्सपीरियंस लेते 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 एक दिन काफी अच्छी सैलरी कमाएंगे। लेकिन साउथ कोरियन अमेरिकन जॉनी किम पहले नेवी सील बने,
जहां पर इन्होंने इराक में भी सर्व कर रखा और इसके बाद में इन्होंने अपना करियर चेंज किया। ये बने हार्वर्ड के डॉक्टर जहां पर इन्होंने काफी सारा एक्सपीरियंस लिया, जिसके बाद में ये फुल्ली सर्टिफाइड एस्ट्रोनॉट बने नासा के। दरअसल इन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ये इस तरीके के स्टूडेंट थे। आप में से बहुत लोगों ने एपेक्स लेजेंड्स तो जरूर खेली होगी, लेकिन किसी ने भी इस बंदे की तरह नहीं खेली होगी जो कि ओरेगॉन पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था। ये अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था, जिसके बाद में इसको लगा कि अभी तो बहुत टाइम है मेरी फ्लाइट में, तो इसने अपना प्लेस्टेशन 4 निकाला और एयरपोर्ट का मॉनिटर जो कि ट्रेवलर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका वीजीए केबल इसने अपने प्लेस्टेशन 4 में लगा दिया। और इसको कोई पोर्ट मिल गया होगा अपने प्लेस्टेशन 4 को पावर देने के लिए, तो इसने प्लेस्टेशन 4 वहाँ पे चालू करके एपेक्स लेजेंड खेलनी शुरू कर दी, जिसके बाद में सभी लोग हैरान रह गए जिन्होंने भी इस फोटो को देखा कि बंदा एपेक्स लेजेंड खेल रहा है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के ही मॉनिटर से। तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जब इसके बारे में पता चला तो वो इस बंदे तक पहुँचे। इन्होंने बहुत ही पोलाइटली कहा कि क्या आप अपने इस प्लेस्टेशन 4 को यहाँ से हटा दोगे, क्योंकि ट्रैवलर को कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। जिसके बाद में इसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, गेम तो हो जाए। और गेम खत्म करने के बाद में इसने अपना प्लेस्टेशन हटा लिया और उसके बाद में इस मॉनिटर को दोबारा से चालू कर दिया गया। डेटा ब्रीचिंग के किस्से अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। मतलब कि आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हो तो वो कहते हैं कि भैया ये वेबसाइट सही नहीं है, इसमें डेटा लीक हो सकता है। वो कहता है मेरी वेबसाइट की सिक्योरिटी सही नहीं है, इसमें डेटा लीक हो जाएगा। ये वाला कहता है भैया लीक हुआ पड़ा, तुम करो ना करो उनको पता है पहले से तुम्हारी इंफॉर्मेशन। अपने को तो अब डेटा की अपनी फिक्र ही नहीं रहती कि क्या लेके चला जाएगा। मेरा नाम पता लग जाएगा, मेरा एज पता लग जाएगी, एड्रेस पता लग जाएगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। लेकिन एक पॉन वेबसाइट की 4000 मॉडल्स का सेंसिटिव डेटा लीक हो चुका है। मतलब जो भी उनके एग्रीमेंट थे या फिर आईडी प्रूफ थे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस था, जो भी उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो कि इसी के अंदर रहती है कि उनका एड्रेस, उनका नाम, उनकी हाइट, उनका एज, ये जो भी चीजें थी वो सब लीक हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ 8,75,000 फाइलें भी लीक हो चुकी है, कोई भी इनको देख सकता है। हालांकि अब ये वेबसाइट कुछ ना कुछ कर रही होगी अपनी वेबसाइट के डेटा को सिक्योर करने के लिए, लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई, खेत वाला हिसाब हो चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।